السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال عز من قائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك أو كما قال عليه الصلاة والسلام रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस के काबिल एहतराम मुंतजिमीन शोबे दावत तबलीग जमातुल मुस्लिमीन महसला के मौक्कर अराकीन ओहदेदारान जिम्मेदारान इस अज़ीमुश्शान रिवायती कॉन्फ्रेंस में जो इस वसी अरीज ग्राउंड में पिछले कई सालों से उसको एहतिशाम के साथ मुनक़िद होती आ रही है। इस कॉन्फ्रेंस के काबिल एहतराम मुअक्कर मुअज्जज़ खुतबा मुकर्ररीन खुसूसियत के साथ इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के सदर मोहतरम सदर जमातुल मुस्लिमीन महसला बस्ती के काबिल एहतराम उलमा फुज़ला अइम्मा दुआत मुदर्रिसीन काबिल एहतराम बुज़ुर्गों नौजवान दोस्तों काबिल एहतराम माँ और बहनों अजीज बच्चों ये एक सआदत है शरफ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे यहाँ इस तरह से मुलाकात करने की तौफीक अता फरमाई। ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जिसमें आप हम सब शरीक हैं इस कॉन्फ्रेंस की अपनी एक तरतीब है अपना एक नज़्म व ज़ब्त है। इसके मुकर्ररीन खुतबा अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से यहाँ की दावत पर शोबे दावतुल मुस्लिमीन शोबे दावतुल तबलीग जमातुल मुस्लिमीन महसला की दावत पर यहाँ तशरीफ लाए हैं। इन मुकर्ररीन और खुतबा के बीच में कुछ तालिब इल्म को कुछ बातें आप हजरात के सामने अर्ज करने का जो मौका मिला है बिलाशुबा एक सआदत है एक शरफ है। मैं जिम्मेदारान का इस हौसला अफजाई पर शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे इस मुनासबत पर चंद बातें अपने आप को नसीहत करने के लिए इसी तरह से आप तमाम हाजरीन को भाइयों को बहनों को नौजवानों को अजीज़ों को सबों को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों कॉन्फ्रेंस रहमतुल आलमीन के नाम से मुअन्नन है। हम जानते हैं कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से और आपकी रहमत का हवाला दे करके ये कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद हुई है और इसी उन्वान से मुनक़िद होती आ रही है। इसमें अज़ीमुश्शान जो पैगाम तमाम पुरब जवार के लोगों को मेहमानों को मकामी लोगों को दूर दराज से आए हुए लोगों को जो पैगाम देना मकसद है वो ये है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए सारे जहानों के लिए रहमत का पैगाम है सरापा रहमत है। अब इस रहमत की कई शक्लें हैं कई गोशे हैं कई पहलू हैं इसके मुख्तलिफ गोशों को वाज़ह करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीनी को वाज़ह करना और इंसानियत को यह अज़ीमुश्शान पैगाम पहुंचाना इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद है।
और इसके मुख्तलिफ पहलुओं में से एक बुनियादी पहलू यह है कि हम ये समझें कि इस उम्मत की निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इस उम्मत को ये शर्फ हासिल है, ये सआदत हासिल है कि इस उम्मत की निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की तरफ, आपके फेल की तरफ, आपकी तकरीरात की तरफ, आपके पतावों की तरफ, आपके फैसलों की तरफ है। हम अपनी निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करते हैं। ये उम्मत उम्मत मोहम्मद है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की पाबंद है, आपका कलमा पढ़ने वाली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसार करने वाली है, आपकी एक एक अदा को अपनी जिंदगियों में नाफिज करने वाली है। ये उम्मत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली उम्मत है। अब जो उम्मत कयामत तक आने वाली है, सब उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानी, कोई और निस्बत नहीं आ सकती और ना कोई और निस्बत आनी चाहिए। जो भी निस्बत हो अल्फाज के ताबीरात के इख्तलाफ के साथ, बहरहाल उस निस्बत का ताल्लुक नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए, और निस्बत के साथ अमल भी, निस्बत के साथ किरदार भी, निस्बत के साथ तनफीज की, निस्बत के साथ मोहब्बत भी, निस्बत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बड़ी हर हर अदा को जिंदगियों में नाफिज करना भी, ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और यही एक अजीम शान पैगाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत होने का, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत अब कयामत तक जो भी लोग आने वाले हैं आपकी सुन्नत और सीरत पर चलेंगे तो रहमत में, हमदर्दी में और एक बहुत ही ज्यादा अमन और सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, और इसके बगैर राहत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, रहमत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, अमन व अमान का, आस्ती का, सलामती का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि इस उम्मत से पहले, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेथत से पहले, आपके सर पर ताजे नबूवत रखे जाने से पहले दुनिया की क्या हालत थी, इसे जाहिलियत के नाम से कुरान करीम ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद किया है। मेरे भाइयों, वो जो दौर था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम होने की वजह से किस तरह के जुल्म में, ज्यादती में, मेरे भाइयों ऐसी ही हद दर्जा बर्बरियत की जिंदगी गुजारता था। अकीदे से लेकर के, ईमान से लेकर के, इबादात से लेकर के, मेरे भाइयों अखलाक है, किरदार है, सियासत है, मुआमलात है, रहन सहन है, उठना बैठना है, गर्ज जिंदगी का कोई भी पहलू ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, कुरान करीम के उतरने से पहले और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दुनिया के सामने के दुनिया में आज दुनिया के सामने आ जाने से पहले आपको किसी भी पहलू से अमन शांति सलामती दिखाई नहीं देगी। हर एतबार से आपको अनार्की दिखाई देगी, हर एतबार से आपको जुल्म दिखाई देगा, हर एतबार से आपको बदनज़मी दिखाई देगी। यही बात है कि इस उम्मत के अंदर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती हुई तो बिलाशुबा ये उम्मत रहमत की छाओ में आ गई, रहमत के साए में आ गई, रहमत में जिंदगी गुजारने लगी। और अब अगर ये रहमत चाहिए, ये अमन चाहिए, ये शांति चाहिए तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ और सिर्फ निस्बतों पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ हवालों पर नहीं, बल्कि अमली तौर पर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके कौल को, आपके फेल को, आपके तकरीर, आपके फतावों को, आपके फैसलों को अपनी जिंदगियों में बेला चू चिरा के नाफिज किया जाए, किसी भी तरह का तामुल ना होने पाए, किसी भी तरह का तरद्दुद ना होने पाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के सामने, आपके फेल के सामने, आपकी हदीस और सुन्नत के सामने किसी भी अदना आला का तस्किरा कर दिया जाए, कोई भी बड़ा से बड़ा हवाला दे दिया जाए, लेकिन हम जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के कौलो फेल को अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपकी सुन्नत हमारे सामने है, तो दुनिया के किसी के भी कौल को, फेल को हमें अपनी खातिर में नहीं लाना है। काइनम मन कान, चाहे वो कोई भी हो, अदना आला की तफरीक के बगैर, हत्ता की खाह वो आपके चीदा बरगदीदा सहाबे किराम क्यों ना हो,
हमें आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के सामने किसी की बात को भी खातिर में नहीं लाना है। ये हमारी और आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। इसी चीज को अपनी जिंदगी में नाफिज करके अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला रहमतों के साए में जिंदगी गुजारेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रहमत, आपकी हदीसों की बरकत, आपकी सुन्नत की छांव हमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला हासिल होगी। मेरे भाइयों, इसी नहज पर चलने वाला वो तबका था जिन्हें हम सहाबे किराम कहते हैं, वो तबका था जिन्हें हम ताबईन के नाम से जानते हैं, वो तबका जिन्हें हम तबे ताबईन के नाम से जानते हैं। यही वो रास्ता है, यही वो तबकात है जिनके नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने का सारी उम्मत को, आने वाली इंसानियत को ता कयामत हुक्म दिया गया है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इसी निस्बत को सुन्नत की निस्बत से याद किया जाता है। इसलिए आपको यानी इस उम्मत के लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उम्मत होने की वजह से आपको अहलुस सुन्नत कहा जाता है। आपके तरीके पर डट जाने की वजह से आपको अहलुस सुन्नत वल जमात कहा जाता है। आपकी हदीसों पर, आपकी सुन्नत पर अमल करने की वजह से आपको अहलुल हदीस कहा जाता है। आपको अहलुस सुन्नत कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके सहाबे किराम और ताबीन तबे ताबीन की जिंदगियों को अपने सामने रख करके जिंदगी गुजारने की वजह से आपको सलफी कहा जाता है। आपको इसीलिए गुरबा कहा जाता है हदीसों के अंदर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी है कि हालात दुनिया में बिगड़ जाएंगे, मेरी उम्मत में ऐसा बिगाड़ो फसाद आएगा कि निस्बतें बाकी बचेंगी लेकिन हकीकत में लोग सुन्नत और सीरत से दूर होते चले जाएंगे। ऐसे वक्त में इस्लाम अजनबी हो जाएगा, सुन्नत की राह अजनबी हो जाएगी, लोग सुन्नत से बरगश्ता होते चले जाएंगे, अपने ताल्लुक दूसरे लोगों से जोड़ेंगे, उम्मतियों से जोड़ेंगे, उम्मतियों के बड़ों से छोटों से जोड़ेंगे, करीब और दूर के लोगों से अपना रिश्ता कायम कर लेंगे। इसके साथ इस उम्मत का ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमजोर होता चला जाएगा। उस वक्त जो इस्लाह का काम करेंगे, उस वक्त जो बिगाड़ की इस्लाह करेंगे, जो फसाद को सुधार में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को गुरबा कहा जाता है। जिनमें जिस दौर में फसाद वाले ज्यादा हो जाएंगे, इस्लाह वाले थोड़े बाकी बचेंगे, इस्लाह करने वालों की बातें नहीं मानी जाएंगी, उनकी मुखालफत करने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। मेरे भाइयों, ये सब सूरत हाल नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में हमें बतलाई है, और हमें इस बात की जिम्मेदारी बनती है हमारी और आपकी कि हम इन बातों को हमेशा हमेशा अपने पल्ले बांधे रखें, अपने ज़हनों दिमाग में रखें, अपने दिल की नेहा खानों में इसे सजा करके रखें। एक पल भी आपकी हमारी जिंदगी का ऐसा न गुजरे कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत से, आपकी हदीसों से, कौलो फेल से दूर हो जाए। किसी भी हवाले से, किसी भी निस्बत से यह दूरी हमारे लिए जहमत का सबब बन जाएगी, हमारे लिए आफत का सबब बन जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजाब में मुब्तला किए जाने का सबब बन जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इसी मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन, सलफे उम्मत, इनके नक्शे कदम पर चलने वालों की जिम्मेदारी है कि बेकमोकास, बिला किसी मलामत गर की मलामत का खौफ महसूस किए, बिला किसी अंदेशे और तरद्दुद के, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी बसीरत के साथ, पूरे इल्म के साथ और पूरे उसवे और पूरी रहनुमाई के साथ उम्मत के सामने ये पैगाम पहुंचाएं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस मौके पर जबकि आपसे इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर बतौर हौसला अफजाई मुलाकात हो रही है, तो मैं दो तीन बातें आपके सामने खुसूसियत के साथ अर्ज करना चाहता हूं और अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें और आपको इन चंद बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। इसमें कुछ गलत फहमियां हैं जिनका इजाला है, कुछ शुबहात है जिनका इजाला है, मैं चाहता हूं कि ये बातें आपके सामने रख दूं। मेरे भाइयों, एक बात तो ये है कि आज जो दावत का वसी मैदान है, दावत का वसी नाम है, और दावत के नाम पर मुख्तलिफ
धड़े, मुख्तलिफ फिरते, मुख्तलिफ जमातें और मुख्तलिफ अफकार व नजरियात रखने वाले मुख्तलिफ अहजाब और फिरक दावत के मैदान में काम कर रहे हैं। और ये मामला कोई मुल्क और वतन अजीज की बात नहीं हो रही है, ये तो पहले नंबर पर और उसके अलावा पूरी दुनिया के गोशे गोशे में ये माहौल है। और इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी पेशीन गोई के तौर पर है। आपने फरमाया था कि मेरे मरने के बाद, मेरी दुनिया से चले जाने के बाद बहुत सारा इख्तलाफ उम्मत के लोग देखेंगे, उन इख्तलाफात के वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है, उसे तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गो, इस वक्त जब किताब व सुन्नत के शैदाई, किताब व सुन्नत का मिशन लेकर के चलने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तरफ दावत देने वाले, अहलुल हदीस का मिशन अपनी जबान से, कलम से, अमल से, किरदार से, दावत से लेकर के चलने वाले जब मैदान में आते हैं, तो एक बहुत अजीबो गरीब अंदाज का शुभा पेश कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि भला बताओ कि अहलुल हदीस का जो नाम है, या इसी से और जो मुतालिक सिफाती नाम है, सलफियत का नाम है, या अहलुल सुन्नत का नाम है, या अहलुल हदीस, अहलुल जमात का नाम है, और जो नासरुल हदीस, अहलुल अथर वगैरह के नाम से जाना जाता है, और खुसूसियत के साथ अहलुल हदीस का नाम, ये बहुत सारे लोग शुभा पैदा करते हैं कि ये भी मिन जुमला फिरकों की तरह से एक फिरका है, मिन जुमला अहजाब की तरह, धड़ों की तरह से एक धड़ा है। जैसे बहुत सारे फिरके उम्मत में पैदा हुए, निकले और बदस्तूर निकलते जा रहे हैं सुबह शाम, इसी तरह से एक फिरका ये भी है जो अपने आप को अहलुल हदीस कहता है। याद रखो और अच्छी तरह से अपने ज़हनों में और दिल में इस बात को बिठा लो, ये शुबहा है, ये कंफ्यूजन है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नामों को, नामों की तारीख को, नामों की हकीकत को समझने की जरूरत है। आपको दावत के मिशन में ये शुबहा पेश करके बहुत कुछ आपको, आपको आपके मिशन में आपके साथ हौसला अफजाई के बजाय आपके साथ हौसला शिकनी की जाती है, आपकी दिल शिकनी की जाती है और आपको आपके मिशन से दूर करने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है, ये शुबहा है, अहले हदीस कोई फिरका नहीं है, अहलुल हदीस कोई हिज्ब नहीं है, अहलुल हदीस कोई टोली और गिरोह और जमात नहीं है। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल्लदीन फर्रकू दीनहु वकानू शियअन कुल्लु हिज्बिन बिमा लदैहिम फरीहून। ये तो ताबीर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है, अल्लाह के फजल व करम से, उसकी तौफीक से, उसके किताब की आयात से, उसके नबी की सुन्नत के दलीलों से, उम्मत के सलफ सहाबा ताबीन तबे ताबीन की सीरत की रोशनी में। याद रखो, अहलुल हदीस कोई फिरका नहीं है, ये कोई टोली नहीं है, ये कोई धड़ा नहीं है, बल्कि ये सर असल उसी उतरे हुए कुरान की सच्ची ताबीर है जिसका आगाज गारे हिरा के अंदर हुआ था। ये उसी सुन्नत की ताबीर है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकली है और सहाबा के जरिए थे आज मुंतकिल होकर मुहद्दिसीन की कोशिशों से सुन्नत की किताबों के अंदर लिखी जा चुकी है, दर्ज की जा चुकी है। ये दरअसल उन्हीं ताबईन इजाम की के मिशन की तमदीद है मेरे भाइयों, जिसके बारे में, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई थी। तो अहलुल हदीस यानी अहलुल नबी, अहलुल हदीस ही हम अहलुल नबी व इन लम यसहबु नफसहु अनफसहु सहिबु। मेरे भाइयों, अल्लामा कौमसी ने कहा था अहलुल हदीस कौन है, अहलुल हदीस ही हम अहलुल नबी व इन, अहलुल हदीस दरअसल अहलुल नबी हैं, हदीस वाले दरअसल नबी वाले हैं। व इन लम यसहबु नफसहु, अगरचे उन्होंने बराहे रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसों का साथ न पाया, यानी आपकी जबान से निकली भी बातें जब निकली हैं, अदा हुई है, उस वक्त तो मौजूद न थे, लेकिन अनफासहु सहिबु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो आपकी जबान से निकल चुकी है, आपके फरमूदात में मुंतकिल हो चुकी है, आपका कौल है, आपका फेल है, आपका अमल है, आपका किरदार है, आपके फतावे हैं, उनसे तो उनका गहरा रिश्ता है। इसलिए अहले हदीस अहले नबी हैं, अहले हदीस अहले रसूल हैं। और यह मसला अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुन्नत, आपकी सच्ची सुन्नत, आपकी सच्ची हदीसें, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यही इस्लाम की सच्ची ताबीर है, यही इस्लाम की सच्ची तस्वीर है। याद रखो, इस्लाम ही सुन्नत है, सुन्नत ही इस्लाम है, इस्लाम आपकी हदीसों का नाम है, आपकी हदीसें इस्लाम की, इस्लाम के नाम से जानी जाती हैं। याद रखो, इसलिए कोई शुबहे में न डाले। हाँ, कोई आपसे आकर के ये कहे कि ये नाम कहां से ले आए, ये नाम कहां से आ गया, तो बतला दो
दो, बतला दो कि आपने सुन्नत अपनी जबान से कहा है, बतला दो कि आपने अपनी जबान से हदीस कहा है। मेरे भाइयों, अलैकुम भी सुन्नति व सुन्नति लखुलफाए राशिदीन, ऐसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अला ला युशिकन अहदकुम अन यातीहिल हदीसु मिन हदीसी, आपने फरमाया था ऐसा ना हो कि किसी के पास मेरी हदीसों में से कोई हदीस आए तो मेरी हदीसों को ठुकरा दे और कह दे कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। अफसोस के साथ बात कहनी पड़ती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि उसके सामने मेरी हदीस आएगी, तख्त पर बैठा हुआ होगा, और जब हदीस पेश की जाएगी तो हदीस को रद्द कर देगा, हदीस को अपनी अकल से, अपनी अकलानियत से, अपने रुझान से, अपने मैलान से, अपनी नफ्स परस्ती से, किसी भी बुनियाद पर वो रद्द कर देगा। और रद्द करने का नाम कैसे लेगा? बड़ा प्यारा नाम लेकर के रद्द करेगा। वो कहेगा हसबुना किताबुल्लाह, हसबुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। अल्लाह की किताब का हवाला देकर के नबी की सुन्नत को रद्द कर देगा, अल्लाह की किताब की का हवाला देकर के किताबुल्लाह काफी है ये कह करके सुन्नत को रद्द कर देगा, आपकी हदीसों को रद्द कर देगा। आपने मजम्मत फरमाई, आपने मजम्मत फरमाई, आपने उम्मत को आगाह कर दिया कि देखना देखना ऐसा न होने देना। मुझे बताओ मेरे भाइयों, इंसाफ के साथ बतलाओ, दिल पर हाथ रख करके बतलाओ, वाकई संजीदा होकर के बतलाओ कि अगर हसबुना किताबुल्लाह कह करके, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है ये कह करके अगर कोई सुन्नत को रद्द कर दे, आपकी हदीसों को रद्द कर दे, वो नबी की जबान से मजम्मत का हकदार है, तो भला उसका क्या हाल होगा, उसका क्या हाल होगा जो कहे हसबुना कौलु इमामिना, हसबुना कौलु फुलान व अल्लान। भला बताओ कि अगर कोई नबी की सुन्नत को रद्द करने के लिए ये कहे हमारे लिए हमारे इमाम का कौल काफी है, हमारे लिए हमारा मसलक काफी है, हमारे लिए हमारी अपनी जमात काफी है, हमारे लिए हमारे पीर मुर्शिद काफी है, अगर कोई ये कहे कि हमारे लिए फला काफी है, हमारे लिए आला काफी है, तो भला बताओ कि उसका अंजाम क्या होगा। अगर हसबुना हसबुना किताबुल्लाह कहने वाले काबिले मजम्मत है नबी की जबान से, तो हसबुना कौलु इमामिना, हसबुना जमातुना, हसबुना फुलान फुलान, ये कितना खतरनाक मसला होगा। नबी की सुन्नत के सामने अगर कुरान को पेश करके उसको रद्द नहीं किया जा सकता है, तो भला फला फला की कौल की बुनियाद पर, किसी इमाम की कौल की बुनियाद पर, किसी जमात के फिक्र और किसी तकलीदी मजहब और मसलक की बुनियाद पर सुन्नत रसूल को क्यों कर रद्द किया जा सकता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कितना आसान हो चुका है, कितना आसान हो चुका है कि लोग बड़ी आसानी के साथ अपने इमाम का, मसलक का और तकलीदी मजहब का, फिक्र का हवाला देकर के सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकरा देते हैं। याद रखो, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत का मकाम कितना ऊंचा है, अस्सुन्नतु अहवजु अल्कुरानु अहवजु इला सुन्नति मिनस सुन्नति इला अल्कुरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मकाम देखो, उम्मत के सलफ क्या कहा करते थे, हम सलफी हैं, सलफ उम्मत के नक्शे कदम पर चलते हैं, सहाबा ताबीन तबे ताबीन की रविश हमारी रविश है, हमारा आइडियल है, हमारा रास्ता है, हमारा नमूना है। अल कुरान अहवजु इला सुन्नत मिनस सुन्नत इला अल्कुरान, मसला क्या है? फरमाते हैं कि कुरान को समझने के लिए सुन्नत की जितनी जरूरत है, कुरान को समझने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, उसे अमली तौर पर बरतने के लिए सुन्नत की जितनी जरूरत है, उतनी सुन्नत पर अमल करने के लिए कुरान की जरूरत नहीं है। कुरान की उतनी जरूरत सुन्नत पर अमल करने के लिए नहीं है जितनी कुरान पर अमल करने के लिए सुन्नत की जरूरत है। मेरे भाइयों, क्यों? وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, हमने कुरान करीम उतारा है, हमने कुरान करीम उतारा है ताकि आप खोल खोल करके लोगों को बतलाएं अल्लाह का कलाम क्या कहता है, अल्लाह के कलाम का पैगाम क्या है, अल्लाह के कलाम का हासिल क्या है, क्या मकसूद है। मेरे भाइयों, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मामूली न समझो। तो एक मसला तो ये ज़हन से निकल जाना चाहिए कि अहले हदीस कोई फिरका है, ये उस साफ सुथरे इस्लाम की ताबीर है जो कुरान करीम में उतरा, इस्लाम जो कुरान करीम से, कुरान करीम के बाद सुन्नत की शक्ल में कुरान करीम की तफसीर और उसकी वजाहत के तौर पर सुन्नत के अंदर मुंतकिल
मुंतकिल हुआ। सहाबे किराम ने सुना, देखा, अमल किया, आगे मुंतकिल किया, ताबईन ने आगे मुंतकिल किया, और अल्लाह की फजल करम से यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। इला कियामिस सा ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक ला यज़ुरुहुम मन खदलहुम वला मन खालफहुम हत्ता यअति अमरुल्लाह वहुम कज़ालिक। अल्लाह के नबी रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह सिलसिला हमेशा कायम रहेगा, यह सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। हालात नाजुक से नाजुक हो जाए, हालात दिगर गु हो जाए, हालात फितनों फसाद की आमाजगाह बन जाए, कितने भी मसाइल खड़े हो जाए, लेकिन ये बशारत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम है जो आपने मुंतकिल किया है कि ये हमेशा कायम रहेगा। एक जमात किताबुल्लाह पर, सुन्नत पर, सहाबा की सीरत पर चलती रहेगी, ये पैगाम है मेरे भाइयों। तो ये सिलसिला हमें बतलाता है कि ये नाम कोई नया नाम नहीं है, ये कोई हिजबियत वाला फिरका परस्ताना नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम की सच्ची शक्ल का नाम है। अब वो आयतें आपको बताई जाएंगी जिसमें कहा गया है सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तो तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, या तवफ्फनी मुस्लिमन वअल्हिकनी बिस्सालिहीन, मुझे मुसलमान बना करके मुसलमान की हालत में वफात देना और मुझे सालिहीन के साथ शामिल कर देना। ये देखो मुसलमान, ये देखो मुस्लिमीन कहा गया है, तुम लोग अपना नाम मुस्लिमीन के अलावा मुस्लिम से हट करके अहले हदीस क्यों रखते हो? शुबहे में नहीं आना, कंफ्यूजन में नहीं आना। ये आयतें उस वक्त की हैं, ये आयतें अल्लाह के कलाम के उस वक्त की हैं जब तुम्हारे फिरके मौजूद नहीं थे, जब तकलीदी टुकड़े मौजूद नहीं थे, जब गिरोह नहीं था, जब फिरका वारियत नहीं थी, जब धड़बंदी नहीं थी, जब अल्लाह के कलाम में खुद उतरा था वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम, मुशरिकों की तरह से मत हो जाना जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर लिया। हर हर पार्टी अपने अपने अकीदे पर, अपने अपने रास्ते पर मस्त मगन है। ये उस वक्त की बात है जब इस्लाम बमुकाबला यहूदियत था, इस्लाम मुकाबला ईसाइयत था, इस्लाम का मुकाबला मजूसीयत था, इस्लाम का कोई टुकड़ा नहीं था, इस्लाम की एक सूरत थी, इस्लाम की एक साफ सुथरी शक्ल थी, कोई फिरका वारियत, कोई टुकड़ा, कोई गिरोहबंदी नहीं, कोई जथा, कोई हिजबियत नहीं थी। उस वक्त की बात है जब तुमने टुकड़े बना लिए, इस्लाम की शक्ल बदल दिया, अलग अलग धड़ा बन गया, अलग अलग फिरका बन गया, तो फिर सच्चाई को वाज़ह करने के लिए, हकीकत को वाज़ह करने के लिए, अकल परस्तों के बीच में, राय और आस के पीछे भागने वालों के बीच में यह वाज़ह करना पड़ गया कि हम राय वाले नहीं हैं, हम अकल पर डिपेंड रहने वाले नहीं हैं, हम नफ्स के पीछे चलने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अल्लाह के नबी की हदीसों को फॉलो करने वाले, उसी रास्ते पर चलने वाले जो अल्लाह के नबी का, आपके सहाबा ताबीन तबे ताबीन का तरीका था। इसलिए यह नौबत आ गई है, अगर ये फिरके ना बनते, इस्लाम की एक शक्ल होती, तो आज हमें ये इस सिफाती नाम, हमें इस सिफाती नाम को दुनिया के सामने लाने की जरूरत नहीं थी। और यह भी याद रखो, हमें का मतलब हम नहीं है, यह सदी नहीं है, इससे पहले वाली सदी नहीं है, उम्मत के बाद के लोगों की, असलाफ के बाद की बात बता रहा हूं मैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी सदियों में सीरत की किताबों का, अस्माउर रिजाल की किताबों का, सीर की किताबों का मुताला करके देखो, आपको पता चलेगा हजरत हसन बसरी कहा करते थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहा करते थे, हजरत इमाम इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, और दीगर बहुत सारे उलमा, एक फिरिस्त थे, वो कहा करते थे फला तकदीर का मुनकिर नहीं था, फला शिया नहीं था, फला कदरी नहीं था, फला राफिजी नहीं था, फला सूफी नहीं था, बल्कि वो सलफी था, फला ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, बल्कि फला कौन था? अल्लाह के नबी की सुन्नत पर चलने वाला था। काना सुन्नियन, काना सलफियन, काना अला मजहब सलफ, काना अला मजहब अहले हदीस, आपको एक नहीं 2500 अकवाल मिलेंगे। तो ये मामला हमारा नहीं है, हमारा नहीं, हमारे असलाफ का है, जिनका नाम लेकर के मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन पर चलने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा तो जब टुकड़ा हुआ, फिरका बना और मुख्तलिफ धड़ों में उम्मत तकसीम हो गई, मुसलमानों की उम्मत, उम्मत मुस्लिमा बट गई मुख्तलिफ धड़ों में, तो वाज़ह करने के लिए कि हम इनके पीछे, इनके साथ नहीं हैं, बल्कि हम वो हैं जो नबी की सुन्नत की तलाश करते हैं, आप भी हदीसों को अपने लिए हिर्दे जान बनाते हैं, इसलिए ये फिरका नहीं है, बल्कि जब हालात बिगड़े तो हमें असली इस्लाम पेश करने के लिए सुन्नत का, हदीसों का नाम लेकर के बतलाना पड़ा, तो यह हमें याद रखना चाहिए। दूसरा मसला क्या है? एक शुबा यह पेश किया जाता है कि
बताओ मेरे भाइयों कि आप लोग अहले हदीस कहते हो, आप लोग सलफी कहते हो, कहां कुरान में अहले हदीस का लफ्ज आया है, कहां सुन्नत में हदीस का लफ्ज आया हुआ है, कहां सहाबे किराम के यहां ये लफ्ज मौजूद है, कहां ताबीन। इस तरह से आप तो हर जगह इस तरह से मतलब कह दीजिए घेरने की कोशिश की जाती है कि आपको इससे नफरत हो, इस मिशन से नफरत हो, इस नाम से नफरत हो। ये शुबा भी खत्म हो जाना चाहिए, शुबा खत्म हो जाना चाहिए मेरे भाइयों। कुरान करीम की आयतों में अल्लाह तबारक तआला ने हदीस का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है और हदीस से मुराद अल्लाह का कलाम कुरान है, हदीस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह नज़ल अहसनल हदीस, अल्लाह तबारक तआला ने सबसे बेहतरीन हदीस उतारी है। पुरानी करीम की आयत करीमा की तफसीर उठा करके देखो, सबसे बेहतरीन हदीस उतारी है। हदीस से मुराद कुरान करीम, हदीस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत। तो आप समझ लें कि अल्लाह ने जैसे कुरान उतारा है ऐसे ही सुन्नत उतारी है और ये दोनों हदीस हैं। सभी अय हदीसिम बादहु युमिनून, भला और कौन सी हदीस पर ये अमल करेंगे, कौन से अल्लाह के कलाम पर अमल करेंगे, कौन से अल्लाह के अल्लाह के नबी की सुन्नत के बाद भला कौन सी हदीस पर ये ईमान लाएंगे। तो कुरान में भी है, हदीसों में भी हमने अर्ज किया, हदीसुम मिन हदीसी सुन्नतुम मिन सुन्नती, मेरी सुन्नतों में से कोई सुन्नत, मेरी हदीसों में से कोई हदीस। अल्लाह के कलाम में भी हदीस, नबी की सुन्नत में भी हदीस। सहाबे किराम को अगर आप देखना चाहें इख्तिसार के साथ मेरे भाइयों, तो ये भी आप याद रखें कि हजरत सहाबे किराम की जिंदगियों में उनकी उनके आसार में, उनकी मौकूफात में, उनकी अकवाल में आपको एक नहीं कई आसार मिलेंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के अक्वाल में, आपको हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के अक्वाल और आसार में, ऐसे आपको हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के आसार में। और अगर ये आसार अगर आप देखना चाहें तो कोई हवाई बात नहीं है, आप जाकर के देखें उन किताबों को जो किताबें इन मौजूआत पर मुश्तमिल हैं। मिसाल के तौर पर इमाम खतीब बगदादी की तारीख बगदाद का मुताला कीजिए, शरफ व अथाबिल हदीस का मुताला कीजिए, सीर आला बिन नुबला का मुताला कीजिए और इस माने की जो किताबें हैं इस मज़मून पर उन किताबों का मुताला कीजिए, आपको एक दो नहीं बल्कि सहाबा के आसार दसियों मिलेंगे जिन्होंने हदीस का इस्तेमाल किया है, अहले हदीस का इस्तेमाल किया है, साहबे हदीस का इस्तेमाल किया है और अस्हाबुल हदीस का इस्तेमाल किया है। इसलिए कोई धोखा ना दे कि ये नाम नहीं है कुरान में, ये नाम नहीं है सुन्नत में। याद रखो आपका ये नाम कलामे इलाही में है, आपका ये नाम सुन्नत में है, आपका ये नाम सहाबा की जिंदगी में है, आपका ये नाम बगैर किसी इनकिता के तसलसल के साथ सारे कुरून के अंदर, सारी सदियों के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, बात लंबी ना हो, बात खत्म करनी है दो तीन मिनट के अंदर, चूंकि मुरक्कब स्टेशन है मेरे भाइयों। एक आखिरी बात और आपसे आपके सामने अर्ज करनी है, वो ये है कि एक शुभा और पेश किया जाता है और ये शुभा अपने भाइयों की तरफ से पेश किया जाता है कि आखिर कुरान की दावत दें, सुन्नत की तरफ बुलाएं, कुरान और हदीस की दावत दें, सुन्नत की तरफ बुलाएं, कुरान की तरफ बुलाएं, काफी है, क्या जरूरत है हमको, आपको क्या जरूरत है बिला वजह अहले हदीस कहें, बिला वजह हम अपने आप को सलफी कह करके दावत दें। नाम लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए काफी है कि आप कुरान पेश करें, हदीस पेश करें, सुन्नत पेश करें, सहाबा की सीरत पेश करें, काफी है इतना। मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा शुबहा है, ये बहुत बड़ा शुबहा है, आपको ये शुबहा अपना वजूद मिटाने पर लगा देगा, अपने आप को गुमनाम करने पर लगा देगा, ये बड़ा खतरनाक शुबहा है। अच्छा ये बताओ कि जो ये मशवरा देता है, ये मशवरा देने वाला क्या अपने नसब नामे में से किसी बाप दादा का नाम निकालने के लिए राजी होगा? नहीं राजी होगा, वो कहेगा मेरा पूरा नसब नामा खराब हो जाएगा। तो मेरे भाइयों नसब नामा खराब होने के लिए आदमी नाम हदफ करना गवारा नहीं करता है। हम अपनी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपकी हदीसों से, आपकी सुन्नत से, आपके अक़वाल फरमुदात से करते हैं, तो भला किस बुनियाद पर, किस बुनियाद पर हम अपने आप को अहलुल हदीस न कहें, अपने आप को अहलुस सुन्नत न कहें, अपने आप को सलफी न कहें। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये इस्लाम का साफ सुथरे इस्लाम का नाम है, असलफियत हिया अल इस्लामुल मुसफ्फा, सलफियत साफ सुथरे इस्लाम का नाम है, ये मिशन सुथरे इस्लाम का नाम है। इसलिए हमें जरूरी है कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी हम दावत देंगे, हम बतलाएंगे कि हमारा ताल्लुक किसी फिरके से नहीं है, किसी धड़े से नहीं है, बल्कि हमारा ताल्लुक उससे है जिसकी निस्बत हदीसों से।
हैं, इसकी निस्बत सुन्नत से है, और नाम अगर आप नहीं लेंगे तो खो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कुरान करीम की आयतें पढ़ करके देखो, कुरान करीम की आयतें पढ़ करके देखो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरा, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره। ए अल्लाह के नबी रिसालतुस्सलाम कह दीजिए सूरह यूसुफ की आयत करीमा, ए अल्लाह के नबी आप कहिए هذه سبيلي, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है, मेरा रास्ता ये है जिसकी तरफ मैं बुला रहा हूँ। ना ये रास्ता वो वाला है, दाएं वाला नहीं है, ये रास्ता बाएं वाला नहीं है, ये रास्ता आगे पीछे वाला नहीं है, ये वो रास्ता है जिस पर अल्लाह के नबी चलते रहे, दावत देते रहे, आपकी मुत्तबीन दावत देते रहे, मैं उसी रास्ते की दावत देता हूँ। देखा आपने, नाम लेकर के अपना रास्ता बता करके दावत देना है, अपना टाइटल क्लियर करके दावत देना है, ताकि मिक्स ना हो जाए आप भी। और कुरान सुन्नत, भला मुझे बताओ कि इस्लाम से निस्बत रखने वाला कौन सा फिरका है जो अपनी दावत में कुरान का नाम नहीं लेता है, अपनी दावत में सुन्नत का नाम नहीं लेता है, अपनी दावत में सहाबा का नाम नहीं लेता है। जैसे तैसे वो कुरान का ही नाम लेकर के, सुन्नत का ही नाम लेकर के, सहाबा के ही का ही नाम लेकर के अपने मिशन को आगे बढ़ाता है। आप भी वैसे करेंगे तो उनमें आप में क्या फर्क रहेगा, उम्मत को क्या पैगाम पहुंचेगा, उम्मत क्या समझेगी, आप भी कुरान और सुन्नत, वो भी कुरान और सुन्नत, तो फिर किसकी बात हक है, किसकी बात बातिल है, सब हक है, सब हक है। ये फिक्र पैदा, ये नजरिया पैदा हो जाएगा, इसलिए गलत फहमी से निकल जाना मेरे भाइयों। याद रखो अल्लाह फरमाता है आप ये कहिए, कहिए हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है, ना यहूदियत का रास्ता, ना ईसाइयत का, ना मजूसियत का, ना इल्हाद का, ना दहरियत का, मुनाफकत का भी रास्ता नहीं, ये मेरा रास्ता है। अदउ इलल्लाहि अला बसीरा अना व मन इत्तबअनी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यह आयत करीमा बतलाती है कि आपकी दावत में आपका नाम क्लियर होना चाहिए, आपकी दावत में आपका मिशन क्लियर होना चाहिए, आपकी दावत में वाज़े होना चाहिए कि आप किसकी दावत देते हैं, आप किस चीज की तरफ बुलाते हैं, ताकि कोई शुबहे में ना पड़ जाए, ताकि कोई खल्त मल्त में ना पड़ जाए, ताकि कोई बहक ना जाए, गड़मड़ ना हो जाए, फैसला करने में दुश्वारी पैदा ना हो। इसलिए आप बताएं कि हम जिस चीज की दावत देते हैं उसके अंदर बालादस्ती अल्लाह की किताब की, नबी की सुन्नत की, सहाबा की सीरत की है, इसके सामने हम किसी उम्मती की बात को मुकद्दम नहीं करते, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक क्यों ना हो, उमर फारूक आजम क्यों ना हो, अली मुर्तजा क्यों ना हो, उस्मान गनी क्यों ना हो, तो बाद के किसी उम्मती की बात को हम सुन्नत पर कैसे मुकद्दम कर सकते हैं। ये तकलीद के हवाले देकर के, अइम्मे अरबा के मसालिक का हवाला देकर के मेरे भाइयों, आज उम्मत के अंदर इतना ज्यादा इंतिशार क्यों फैला हुआ है, इसीलिए फैला हुआ है कि लोग यही बतलाते हैं कोई हर्ज नहीं हनफी बनकर के रहो, कोई हर्ज नहीं शाफी बनकर के रहो, कोई हर्ज नहीं हम मालिकी हंबली बनकर के रहो, और लोग कहते हैं ये चार सोते हैं, ये सार चार रास्ते हैं जहां से पानी बहकर के आता है और आगे जाकर के चारों जगह से पानी एक जगह मिल जाता है, इसलिए आपको कोई हर्ज नहीं है, आप चारों से किसी भी रास्ते पर चलते रहिए। मेरे भाइयों, मुझे बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने जमाने के बाद ये अइम्मा आए, कितने जमाने के बाद ये फुकहा आए, कितने जमाने के बाद इनकी तालीम और इनकी फिक्र दुनिया के अंदर फैली, मुझे बताओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। हर आदमी जानता है कि इमाम अबू हनीफा की वफात 150 में हुई, इमाम शाफी की 204 में, इमाम मालिक की 179 में, 193 में, और इमाम अहमद बिन हम्बल की वफात 241 में। मुझे बताओ कि सारे लोग कितने जमाने के बाद आए हैं। इसीलिए हजरत इमाम शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने वो तारीखी जुमला अपनी किताब मिनहाजुस सुन्ना के अंदर लिखा है, मिनहाजुस सुन्ना के अंदर, और इस बात को याद रखना, कहते हैं अहलुल हदीस का मसलक, सलफ सालहीन का मतलब कदीम, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। मजहब सलफी कदीम, मजहब अहलुल हदीसी कदीम, अहलुल हदीस का तरीका, अहल सुन्नत का तरीका और सलफियत का तरीका बहुत पुराना है। कबल अन यखलुक अल्लाह अबा हनीफा व मालिकन व शाफिईया व अहमद इब्न हंबल, उससे भी बहुत पहले है, कबल इसके कि अल्लाह तबारक व तआला ने अबू हनीफा को पैदा किया हो, कबल इसके कि इमाम मालिक को पैदा किया हो, कबल इसके कि अल्लाह ने अबू इमाम शाफी को पैदा किया हो, कबल इसके कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहमद बिन हंबल को पैदा किया हो, इनके पैदा होने से बहुत पहले से तलब का रास्ता
है, तो ये सब सलफ के रास्ते पर चलने के पाबंद है और चलते रहे। इन्होंने भी खुद चल करके दिखाया सलफ के रास्ते पर, अहले हदीस के रास्ते पर, और अपने मानने वालों को, अपने शागिर्दों को, अपने तलबा को, अपने हाजरीन को दावत देते रहे, हम भी सलफ के रास्ते पर चलते हैं, तुम भी सलफ के रास्ते पर चलना, तुम भी कुरान और सुन्नत को सलफ के रास्ते को, हम भी कुरान और सुन्नत को सलफ के रास्ते को अपनाते रहे हैं। यही दावत सबकी थी। किसी इमाम ने कभी नहीं कहा कि मेरी बात को सुन्नत पर मुकद्दम करना, बल्कि कहा मेरी हिलाकत हो अगर मैं कोई बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रद्द कर दूं। इसलिए यह गलतफहमी भी दूर कर लो, नाम लेकर के दावत दो, पता चले कि आप राय वाले नहीं है, आप प्यास वाले नहीं है, आप सुन्नत के सामने किसी उम्मती का हवाला देकर के सुन्नत को रद्द कर देने वाले नहीं है, अंधी तकलीद करने वाले नहीं है, किसी शख्सियत को पकड़ करके बैठ जाने वाले नहीं है। यह आपका मिशन होना चाहिए मेरे भाइयों। अब कोई जरूरत नहीं है आपको छुपाने की। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया एक गांव की तरह है, मीडिया ने सारे फैसले सारे फासले खत्म कर दिए हैं। मुझे बताओ, एक कब्र की कब्र परस्ती का नजरिया रखने वाला नाम लेकर के दावत देता है, एक शख्सियत परस्ती और उम्मत की तकलीद की दावत देने वाला, उम्मत को तकलीद की दावत देने वाला नाम लेकर के मतलब के नाम ले लेकर के दावत देता है, सूफिया नाम लेकर के दावत देते हैं, इफ़वानी राफिजी नाम लेकर के दावत देते हैं, खारजी फतादी नाम लेकर के दावत देते हैं, और तुम हम जिसे अल्लाह तबारक तआला ने किताब व सुन्नत और उम्मत के सलफ का मनहज अता फरमाया है, हम उसे छुपाने की बात करते हैं, हम उसका नाम न लेने की बात करते हैं। इससे ज्यादा नादानी की और कौन सी चीज हो सकती है, भला बताओ मेरे भाइयों। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये अफकार ये नजरियात हमारे मिशन को मिटा देंगे, हमारा वजूद खत्म कर देंगे। इसलिए गलत फहमी में ना आओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। बात खत्म करता हूं अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इसी मिशन का दाई बनाए, इस रास्ते में आने वाली तकलीफों पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, प्रोपेगंडों से, साजिशों से और अय्यारियों मक्कारियों से अल्लाह तबारक तआला हमें सावधान रहने की, और होशबंदी से, बसीरत और बसारत से, और फिरासत से समझने की तौफीक अता फरमाए, अपने किबार उलमा से जुड़ करके, अपने कायदीन से जुड़ करके, अपनी जमात के रहनुमाओं से वाबस्ता होकर के अल्लाह तबारक तआला हमें इस मिशन पर इस्तिकामत के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबी अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।